खान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 17 मई को अगली सुनवाई होनी है। आजम की जमानत याचिका पर 17 मई को सुनवाई, आजम के वकील की व्यस्तता के चलते सुनवाई टाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है इस पूरे मामले में। आजम मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जमानत मिलने पर नया केस दर्ज हो जाता है, एक मामले में जमानत मिलने के बाद नया केस, ऐसा क्यों चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक के बाद एक यहाँ पर केस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। नौवां केस दर्ज किया गया, कोर्ट ने कहा है 2 साल से आजम खान जेल में है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये गलत धारणा है, हम हलफनामा दाखिल करेंगे, यूपी सरकार ने इसको लेकर कहा है। और अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अवैस, बड़ी टिप्पणी है आजम खान के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि आजम खान के बाद जो उनके जमानत की बात होती है, एक के बाद एक क्यों केस दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। उसको लेकर आजम खान सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर इस मामले में कोई फैसला नहीं देता है तो फिर हम फैसला देंगे। और आज के लिए सुनवाई लगा दी। आज जब मामले में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले आजम खान की तरफ से वकील प्रिंसिपल के तरफ से ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी गई है, लेकिन एक नया मामला जो है वो दर्ज हो गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से खासी नाराजगी जताई और कहा कि ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक FIR मामले जो है वो दर्ज हो रहे हैं। एक दो मामले होते तो समझ में आता, लेकिन 80-89 मामले दर्ज हो गए। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील जो थे उन्होंने कहा कि ये धारणा या ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सभी मामले जो हैं वो फर्जी हैं या गलत तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में हम अपना हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, हमें वक्त दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जो है मंगलवार के लिए टाल दी। फिलहाल आजम खान के मामले में जिस तरह से आजम खान के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश में मुकदमे के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी भी जताई और उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी भी जताई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि सारे मामले जो है वो फर्जी हैं या गलत तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई पेश करने के लिए समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय दे दिया। वैसे समय जो मांगा गया है सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की कि अपनी सफाई में वो हलफनामा दाखिल करे, क्योंकि आरोप अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगे हैं सरकार पर, तो ये समय कितने दिन का मिला है यूपी सरकार को? देखिए, मंगलवार को सुनवाई होनी है इस मामले में, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और हैरानी जताई कि एक के बाद एक जो है FIR दर्ज हो जा रही है। जब भी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब एक मामले में जमानत मिलती है उसके बाद दूसरे मामले में FIR दर्ज हो जाती है या मुकदमा दर्ज हो जाए या दूसरे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है आखिरकार? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कि ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में वो अपना हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं और ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सभी मामले जो है वो गलत तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं या फिर ये कहना भी गलत होगा कि सभी मामले जो है वो फर्जी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय जो है वो मांगा है और अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है। अब देखना ही होगा उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार फटकार लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट को और कहा था कि 137 दिन से ज्यादा हो गए हैं आजम खान की जमानत याचिका के ऊपर फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है, ये पूरी तरह से कानून का मजाक उड़ाना होगा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब कल मामले में आदम खान को जमानत दी है उससे 2 दिन पहले जो है एक नया मामला आदम खान के ऊपर जो है फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किसी कॉलेज को जो है मान्यता दिलाने के मामले में दर्ज किया गया, तो उसके ऊपर एक के बाद एक मामला। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली बड़ी खबर दिल्ली से ही है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक तरफ देखिए राजद्रोह कानून मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।